हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिजिटल्स में। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आरटी पोर्टल ओपन कर लेना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आवेदन अद्यतन करें लिखा आएगा। अब यहाँ डिटेल फिल करके ओटीपी सेंड करना है आपको। जैसे ही ओटीपी आएगा, देखिए ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको वन टाइम पासवर्ड और आपका जो एप्लीकेशन का वर्ज़न है वो पूछेगा और वेरिफिकेशन कोड। तो ये वेरिफिकेशन कोड और ये आपको कहाँ मिलेगा ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ओटीपी आ गया हमारे मोबाइल पे, तो हम उसको ओटीपी को पहले यहाँ पर फिल करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये दो चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी। तो चलिए ये ओटीपी हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। अब देखिए ये पुराना फॉर्म जो आपने फिल किया था, यहाँ पे देखिए ये वर्ज़न दिखा रहा है आपको, ये वन, और यहाँ पर दिखा रहा है सत्यापन कोड। तो सत्यापन कोड और वर्ज़न आपको वापस वहाँ पर फिल करना है। तो चलिए हम यहाँ पर वर्ज़न डाल दिया हमने। अब वेरिफिकेशन जो सत्यापन कोड है वो यहाँ पर लिखेंगे और आवेदन को यहाँ से एडिट करेंगे। यहाँ पर क्लिक कर देंगे हम, ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी यहाँ से। और जैसे ही ओटीपी वेरीफाई होगी आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिर से खुल जाएगा द्वितीय चरण के लिए। अब यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, सीधा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके जाना है और जहाँ आपको स्कूल दिखाई देंगे उस स्कूल के कोड में आपको देखो टिक करा हुआ दिखाएगा आपने जो पिछली बार फिल किया था। तो आपको क्या करना है, उन स्कूलों में से जिस स्कूल को आपको नहीं लिया है आपने एडमिशन या आपका नाम नहीं आया है, आपको क्या करना है, पहला चॉइस बदलना चाहते हैं आप चॉइस बदल सकते हैं, स्कूल कम करना चाहते हैं स्कूल कम कर सकते हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम दूसरा स्कूल को पहले लेंगे क्योंकि यहाँ पर यदि हम दूसरा स्कूल करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर तीन ऑप्शंस ले लेंगे, दो स्कूल या तीन स्कूल बोलता है, लेकिन हम मैक्सिमम आपको तीन स्कूल सिलेक्ट करने ही होंगे यहाँ पर। तो आप यहाँ से तीन स्कूल सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपको तीन सिलेक्ट करना है। यहाँ से हम चार अभी दिखा रहे हैं आपको टिक, हम इसमें से एक टिक हटा देंगे और तीन स्कूल यहाँ पर ले लेंगे। ये देखिए ये हम यहाँ से अब एक स्कूल को टिक हटा दे रहे हैं, हम ये स्कूल नहीं लेना चाहते हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम आगे की ओर बढ़ेंगे इसमें और नीचे की तरफ में जाएंगे आप, तो आपको यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, वो सिलेक्ट कर लेना है आपको और आपका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने के बाद सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे ये देखिए सक्सेस हो जाएगा एप्लीकेशन, आपका दोबारा एप्लीकेशन यहाँ से सक्सेस हो गया, प्रिंट कर लेना है आपको यहाँ से। ये देखिए जैसे आप ओके करेंगे ये आपका एप्लीकेशन यहाँ पर दिखाई देगा आपको, इसको आपको प्रिंट कर लेना है। तो ऐसा है, ये आपको बिल्कुल ईजी प्रोसेस है इस बार का, आप घर से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये प्रोसेस कर लें। आपको सेकेंड राउंड में जो काउंसलिंग हो रही है सेकेंड चरण की, इसमें आप अपने बच्चे का फिर से एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमें उम्मीद है हमारी बताई हुई जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और जितने भी लोग हैं फटाफट अपना रीचॉइस फिर से कर सकते हैं, यहाँ से फटाफट कर लें ताकि आपके बच्चे का फिर से दूसरे स्कूल में एडमिशन हो सके। इस प्रक्रिया में वही लोग शामिल होंगे जिन्होंने पिछली बार आवेदन किया था, नए लोगों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद है आपको ये जानकारी जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।